हरीश वर्मा जी ता गुरु नगरी निघा स्वागत आ। अज तुम के टी कला 3 दिन प्रदर्शनी लाने पहुंचे हो तो किवें दा महसूस हो रहा जी? बहुत बहुत ही मैं अपने आप नूं भागां वाला समझदा कि मैं गुरु नगरी अपनी प्रदर्शनी लाने के काबल बनया और मैनू के टी कला ने और ब्रजेश जौली सर ने मैनू कॉल की कि तुहाडी एग्जीबिशन लगानी है। मैं बहुत 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 अपलाइज्ड और बहुत बहुत शुक्रगुजार। हरीश वर्मा जी ता गुरु नगरी निघा स्वागत आ। अज तुम के टी कला 3 दिन प्रदर्शनी लाने पहुंचे हो तो किवें दा महसूस हो रहा जी? बहुत बहुत ही मैं अपने आप नूं भागां वाला समझदा कि मैं गुरु नगरी अपनी प्रदर्शनी लाने के काबल बनया और मैनू के टी कला ने और ब्रजेश जौली सर ने मैनू कॉल की कि तुहाडी एग्जीबिशन लगानी है। मैं बहुत 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 अपलाइज्ड और बहुत बहुत शुक्रगुजार है इन्होंने। बेसिकली तुसीं कित्थों दे जम पालो? मैं जलंधर तो बिलोंग करदा जी। किस कॉलेज जां यूनिवर्सिटी नाल? हाँ जी, इस वेले मैं DAV यूनिवर्सिटी नाल जुड़िया। इस तो पहला मैं पुलिस DAV स्कूल च और करदा रहा काम PAP वालों। ओके, तुसीं किस विशे दे उत्ते ज़्यादातर अपनी चित्रकारी करते हो?
मैं ज़्यादातर कैलीग्राफी दे विच ही पेंटिंग्स करदा। बेसिकली मैं 15 साल की उम्र तो ही कैलीग्राफी कर रहा और जड़ियाँ ये वाटर कलर लैंडस्केप है ये अपने जड़े सीनियर आर्टिस्ट है जिदा अश्नी वर्मा जी है भारती सर ने हुशियारपुर तो भारत भूषण भारती जी उन्हों का काम देख के मैं उन्हों तो इंस्पायर हो के शुरू किया नाल नाल वाटर कलर और अज इस काबिल होया उन्हों की कृपा नाल के मैं अपनी एग्जीबिशन ला सकया। ये जी प्रदर्शनी है ये किस नाँ के उत्ते रखी गई है जी? ये इस प्रदर्शनी का जोड़ा टाइटल है वो जल तरंग है। जल तरंग एक पानी तो बजन वाला साज है तो मेरिया भी ये पेंटिंग सारिया जिन्हिया भी पेंटिंग है सारिया वाटर कलर के ही है वाटर बेस्ड ही है और तुम इस म्यूजिक का फील जरूर आऊगा तो इस करके नाम टाइटल जोड़ा जल तरंग। हुण तक तुसीं किन्नियां कला वर्कशापां जिहड़ियां लगा चुके हो? एक दो वर्कशापां होंदियां एक तो ग्रुप के नाल बैठ के करन वाला काम जी 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 तो एक हुंदा सिखाउण वाला काम नवें उभरदे कलाकारां नूं ओह वर्कशापां तुसीं हुण तक किन्नियां जिहड़ियां? मेरा ख्याल है कि 40 या 50 तो वध वर्कशॉप्स मेरियां ग्रुप वर्कशॉप्स हो चुकियां और 40 के करीब तो सिर्फ एज ए रिसोर्स परसन 40 तो ज़्यादा शायद हो चुका है। मैं कदे पर जल तरंग जी पहला भी कि प्रदर्शनी तो लगाई हुई है जी? हाँ जी हाँ जी ए एक शो मनाली होया जी नगर के रॉरिक इंटरनेशनल आर्ट गैलरी उत्थे एक शो होया मेरा सोलो शो ये मेरा दूसरा सोलो शो है जी। अच्छा दूसरा है जी। तो हूँ तक किनिया कला प्रदर्शनिया हिस्सा लै चुके हो जे ग्रुप शो के नाते? ग्रुप शो तो बहुत सारे है सर बहुत सारे उन्हों का मैं काउंटिंग किदा करा पर मेरा सोलो शो ये दूसरा ही है। अच्छा सोलो जो दूसरा वा जी जी तो के टी कला के जोड़ा वा पहला भी आने का सबब बनता रहा तो प्रदर्शनी जी तो बारे जरूर दसो। पहला भी मैं काफ़ी बार आया इतने जड़िया दूसरिया एग्जीबिशन देखने लिए दूसरे लोगों दया ग्रुप शो भी इतने देखा सोलो शो भी देखे पर मेरी बड़ी इच्छा होंगी थी कि के टी कला के मैं अपना एक सोलो शो जरूर करा पर हुण बहुत दिनों बाद बहुत देर बाद यह मौका बनया कि ब्रजेश जौली जी ने मैनू ये मौका दिता कि मैं इत्थे अपना सोलो शो कर सकां। दर्शकों को दस दईए कि हरीश वर्मा जी जलंधर तो के टी कला पहुँचे हुए आ 3 दिन की यह प्रदर्शनी है 4 तरीक न समाप्त होएगी तो बहुत ही सोहनी जी है कला प्रदर्शनी तुहाडे सामने जी पेंटिंग प्रदर्शनी जी आएगी तो सर जने आ के इस प्रदर्शनी का आनंद माणो क्योंकि सारी जी है पेंटिंग प्रदर्शनी ये वाटर कलर के आधार से नाल कैलीग्राफी जी कैलीग्राफी जी एक तो अक्षर लिखने होंगे एक पेंटिंग के नाल ही जोड़ा वा वो इनू कैलीग्राफी कला विखा यह सारा हुनर जोड़ा वा ये हरीश वर्मा जी ने अपने सामने जो सामने रखे वा और तुम सारे जने आ के जोड़ा वा इस प्रदर्शनी का आनंद लो। धन्यवाद।